उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने दो दिन पहले पर्यटन स्थल कुफरी के लिए जारी अधिसूचना वापस ले ली है। अब यहां के लिए पहले की तरह ही छोटी गाड़ियां और बसें सुचारू ढंग से चल सकेंगी। उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि इन क्षेत्रों में तापमान 0 से 7 डिग्री कम था। फागु से कुफरी और छराबड़ा रोड पर कोहरा व अत्यधिक फिसलन थी। लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग से मिली रिपोर्टों के आधार पर ही ये अधिसूचना लोगों की सुरक्षा के लिए जारी की गई थी। अब मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिमला के तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में यहां बादल छाए रहेंगे। बादलों की वजह से सड़कों पर कोहरा या फिसलन नहीं रहेगी। की गई थी ये इसलिए था क्योंकि जो फागु से शिमला की तरफ रोड आ रही है और खासकर फागु से छराबड़ा तक जो रोड है इस पर भारी फिसलन थी। ये इसलिए था क्योंकि जो तापमान था वो 0 से कोई 6 और 7 डिग्री कम था और इसकी वजह से सड़क पर पाला पड़ रहा था। बहुत सारी बसें जो है वो स्किड हो रही थी, तो एहतियात के तौर पर और पैसेंजर्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एक नोटिफिकेशन और एक ऑर्डर जो है कल किया गया था। और ये पुलिस और PWD की जो इनपुट्स थी पब्लिक और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए उसके मद्देनजर किया गया था और रिस्ट्रिक्ट किया गया था HRTC की और प्राइवेट बसेस की। परंतु आज ही जो है मेरे को जो यहाँ के वेदर डिपार्टमेंट है इनके डायरेक्टर से जो लेटेस्ट इनपुट आया है उसके अनुसार शिमला का जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है और शाम को जो है बारिश रहेगी और एक हैवी जो है क्लाउड कवर रहेगा। उस क्लाउड कवर के वजह से बादलों की वजह से सड़कों पर अब जो है कोहरा या फिसलन नहीं होगी। इसके मद्देनजर जो पहले ऑर्डर किया गया था उसको जो है तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर लिया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डावर आमला हेयर ऑयल मिस हिमाचल 2019। अविवाहित युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी प्रतिभा को दिखाने का। भाग लीजिए ऑडिशन में, जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फेसबुक पर मिस हिमाचल का पेज लाइक करना ना भूलें।